नवंबर 2022 का दिन है, दिन सोमवार का है। अघन यानी मार्गशीर्ष का महीना इस समय वर्तमान में चल रहा है। इस समय शक संवत 1944 है, विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है। आज का जो राहु काल है, जो कि आज का हमारा विषय भी है, राहु काल इस समय यानी प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। आज की जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बनते हैं। सूर्य इस समय वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं, वहीं आज चंद्रमा मकर राशि में है, यानी आज श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण से निकलकर वो श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण तक जाएंगे। वहीं मंगल इस समय वृषभ राशि में वक्री गति से भ्रमण रहते हैं। बुध और शुक्र इस समय दोनों ही वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वहीं गुरु इस समय मीन राशि में मार्गी हो चुके हैं। वहीं शनि अपनी स्वयं की राशि यानी मकर राशि में भ्रमणरत है, राहु अपनी वक्री गति से मेष राशि में गोचररत है और केतु इस समय तुला राशि में वक्री गति के साथ गोचररत है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। जी पंडित जी, जैसे कि हमारे विषय की ओर हम बढ़ते हैं, आज का हमारा विषय है राहुल का। सबसे पहले राहु काल से जुड़े हुए कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि क्या होता है राहु काल और इसके लक्षण क्या होते हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहु काल जैसा कि नाम से ही हम लोगों को विदित हो रहा है कि राहु से जुड़ा हुआ है। राहु चूंकि छाया ग्रह होते हैं और राहु और केतु दोनों दिखाई नहीं देते, और राहु और केतु के बारे में हमारे दर्शक जानते हैं कि चूंकि अमृत राहु के द्वारा पी लिया गया था, जिसके चलते राहु को मारा नहीं जा सकता था, और जब राहु की मृत्यु नहीं हो सकती थी तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु को दो भागों में विभाजित किया। ऊपर के मस्तक के भाग को राहु कहा जाता है और धड़ के भाग को केतु कहा जाता है। राहु काल चूंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में समय को निर्धारित करने की कुछ विधियां हैं, कुछ ऐसे समय होते हैं जिस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, जैसे यमदंड, गुलिक और राहु काल। ये कुछ ऐसे समय में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में विभाजित समय है जिस समय शुभ कार्य करने से हमेशा बचा जाता है, यानी कि हमको शुभ कार्य किसी भी स्वरूप में नहीं करना है। अब राहु काल का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे राहु हमारे जीवन में हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करता है, मन को तनावग्रस्त कर देगा, बाधाएं उत्पन्न करेगा, कामकाज की स्थिति को कमजोर कर देगा, मन को अप्रसन्न बना देगा। कुल मिलाकर हमारे जीवन में जितनी भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं उसमें कहीं ना कहीं राहु की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब राहु के बारे में तो ये हो गया। काल, काल का अर्थ होता है समय, समय का जो आज के स्वरूप में हम लोग बोलते हैं घंटा या मिनट, उसमें हम इसको विभाजित करते हैं। तो राहु काल अमूमन, जैसे राहु की दशा 18 महीने की होती है, 18 वर्ष की होती है, और गोचर में भी कई बार 9 से 18 दिन के बीच में आती है। तो राहु काल को सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में 90-90 मिनट के हिसाब से हर दिन के हिसाब से बांटा गया है कि आखिरकार किस दिन कौन सा समय होगा, उस समय में आपको शुभ कार्य नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें सोमवार से, चूंकि प्रारंभ होता है, तो सोमवार को सबसे पहला जो प्रथम भाग होता है, यानी इस समय जिस समय हम बात कर रहे हैं 7:30 से 9 बजे के बीच में। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे भाग के बारे में, तो आप देखेंगे कि शनिवार को प्रातः 9 से 10:30 बजे के बीच में हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। शुक्रवार को फिर तीसरे भाग यानी 10:30 से 12 बजे के बीच में हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे। वहीं बुधवार के दिन चौथे पांचवें भाग यानी हम बात करेंगे 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में शुभ कार्य नहीं करेंगे। ये राहु काल के समय मैं हमारे दर्शकों को बता रहा हूँ। हम नियमित रूप से राहु काल की बात करते हैं, राहु काल के बारे में बताते भी हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरुवार को यानी छठे भाग के बारे में हम बात करेंगे, यानी 1:30 बजे से 3 बजे, हालांकि उस समय अमृत का चौघड़िया होता है, लेकिन उस समय शुभ कार्य नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं रविवार यानी 7वें भाव के बारे में, यानी 4:30 से 6 बजे के बीच में, तो इस समय शुभ कार्य नहीं किए जाते। तो ये कुछ समय है, कुछ काल है जिनका निर्धारण हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में किया गया।
यदि आप इस दौरान अपने शुभ कार्यों को करने से बचते हैं, अपने आप को दूर रखते हैं, तो निसंदेह आप ये मानकर चलिए कि आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी कभी नहीं होगी। जी पंडित जी, आगे भी आपसे इस विषय के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ ही हमारे दर्शक जो है रितेश झारखंड से हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? जीवन काल में बहुत शानदार हो रहा है, काम दंते वंते बिगड़ जा रहा। जी रितेश, आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो जी, जी रितेश, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? रितेश, आप तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए इसी के साथ ही रितेश से हम आगे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे एक और दर्शक जो है आनंद भिलाई से हमारे साथ जुड़ गए। आनंद, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम आनंद जी। पंडित जी, मैं अपने छोटे बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 नवंबर 2009। जी, समय बताएं। समय उसका है शाम का 7:20। जन्म स्थान बता दीजिए। जन्म स्थान विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश। क्या जानना चाहते हैं अपने छोटे बच्चे के बारे में? थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन और इसका भविष्य क्या, करियर क्या है, जानना चाहते हैं। चलिए आनंद जी, आप अपने छोटे पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, मिथुन लग्न और तुला राशि की जन्म कुंडली है आनंद जी, और जन्म का जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र के तीसरे चरण में आनंद जी इनका जन्म हुआ है। आपने पूछा एजुकेशन के बारे में, चूंकि विद्या के भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति है जो कि मकर राशि में राहु के साथ युति बनाकर पड़ा हुआ है। हालांकि शुक्र और चंद्रमा जो पंचम भाव में बैठे, जो कि शिक्षा का भाव होता है, जो अपने आप में बहुत बेहतर है, परंतु आनंद जी आपके चिरंजीव यानी आपके छोटे बेटे की कुंडली में बुध और गुरु दोनों ही कमजोर हैं। इसके चलते पढ़ाई तो ठीक रहेगी, याददाश्त करने की क्षमता भी है, लेकिन कंसंट्रेशन यानी फोकस किसी बात पर इनका नहीं रह पाएगा आनंद जी, और जिसके चलते पढ़ाई में उतार चढ़ाव की स्थिति अवश्य रह सकती है। एक उपाय मैं बता देता हूं आनंद जी, कोशिश करिए, जरूर करा के देखिए। एक पुखराज रत्न जिसका वजन लगभग 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की पहली उंगली यानी जिसको हम इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसमें आप सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वाकर गुरुवार के दिन दोपहर में 12 बजे के आसपास आप धारण करा दीजिए। मुझे लगता है आनंद जी इससे आपके बेटे को अवश्य लाभ होगा। जी पंडित जी, इसी के साथ ही रितेश झारखंड से हमारे दर्शक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। रितेश, आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और जन्म समय बता दीजिए। नमस्कार, अपने भाई के बारे में जानना चाहते हैं। हेलो जी रितेश, बताइए। अपने भाई बारे में जानना चाहते हैं। जी पंडित जी को अपना जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय सबसे पहले बता दीजिए। 23/12/1987। जी जन्म स्थान? 1:45। जन्म समय आपका? रात्रि। जी किन के बारे में जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? अपने अपने भाई बारे में जानना चाहते। जीवन काल में बहुत संघर्ष हो रहा है, करियर में सफलता नहीं मिल रहा, टॉप तक मिले। चलिए रितेश जी हमारे नियमित दर्शक हैं और झारखंड देवघर से हमेशा पूछते रहते हैं, कोई बात नहीं। आज आपने अपने भाई के बारे में पूछा है, तुला लग्न और मकर राशि की कुंडली है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में रितेश जी इनका जन्म हुआ है। आपके भाई के जीवन में जो संघर्ष है, मैंने पहले भी शायद आपको एक बार बताया है, एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। देखिए पितृ दोष बुध, चूंकि आपके भाई की जन्म कुंडली में सूर्य बुध शनि ये तीनों यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो रितेश जी मान के चलना चाहिए कि पितृदोष है। पितृदोष का तात्पर्य होता है कि हमने पिछले जन्म में लोगों के साथ कुछ ऐसा किया है जिसके चलते हमको इस जन्म में कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा आर्थिक क्षेत्र हो, हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, उसमें कष्ट हमको प्राप्त होते हैं। दूसरा, क्योंकि आपकी जो भाई है रितेश जी, उनकी जन्म कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा है, चौथा भाव
यानी बाधाओं का भाव, यानी कष्ट का भाव। अब चंद्रमा चूंकि दशम भाव का स्वामी है, यानी कर्म क्षेत्र का स्वामी है जितेश जी, और वो चौथे भाव में शुक्र के साथ, यानी लग्न का जो मालिक ग्रह है शुक्र, उसके साथ चंद्रमा युति बनाकर पड़ा हुआ है। अब आप मानकर चलिए कि चंद्रमा का चौथे भाव में बैठना और भाग्य का स्वामी बुध जो कि तीसरे भाव में सूर्य के साथ युति बना रहा है, यानी पितृदोष बना रहा है, तो जब तक आप अपने जीवन में पितृदोष की शांति नहीं कराएंगे, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था, एक बार पुनः दोहरा रहा हूं कि आप चूंकि देवघर में रहते हैं, गया बहुत ज्यादा दूर नहीं है, किसी भी अमावस्या के दिन आप वहां पर जाएं, अपने पितृदोष की शांति करा कराएं। और एक बार और दोहरा देता हूं, एक मोती और एक गुमेद रितेश जी, इनको पहनना बेहद जरूरी है। आप इनको मोती जिसका वजन 28 रत्ती का हो और गुमेद जिसका वजन लगभग 14 से 18 रत्ती का हो, आप अवश्य पहनाइएगा रितेश जी, मुझे लगता है इससे इनको अवश्य लाभ होगा। जी पंडित जी, इसी के साथ ही हमारी एक और दर्शक पूजा राजस्थान से हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, सबसे पहले पंडित जी को अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय बता दीजिए और क्या जानना चाहती हैं आप। मेरी जन्म स्थान बाड़मेर राजस्थान है। जी, जन्म समय? जन्म समय 21/11/1992। जी, आपका जन्म स्थान? बाड़मेर राजस्थान, शाम को 6 बजे, कन्या राशि चित्रा नक्षत्र। जी, क्या जानना चाहते हैं आप पंडित जी से? 21/11/1992 है। जी जी विनोद जी, आपकी आवाज आ गई, आप जानना क्या चाहते हैं बता दीजिए। बच्ची की शादी कब, मेरी शादी कब होगी और मैंने परीक्षा दी, इसमें मेरी परीक्षा में मैंने पास की या आगे क्या गवर्नमेंट जॉब के योग है, और शादी जल्दी कब होगी, क्या होगा? नहीं, ये आप अपनी बच्ची के बारे में पूछ रहे हैं या अपने स्वयं के बारे में पूछ रहे हैं? मेरी बच्ची है, उसके बारे में पूछ रहा हूँ। चलिए, आपकी बच्ची की कुंडली कुछ विनोद जी इस प्रकार से बनती है, वृषभ लग्न और कन्या राशि की कुंडली है, चित्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। आपने दो प्रश्न किए हैं कि आपकी बिटिया का विवाह कब होगा और शासकीय नौकरी के योग हैं या नहीं। पहले आप बता देता हूं, चूंकि विंशोत्तरी महादशा बृहस्पति की चल रही है और बृहस्पति पर शुक्र का प्रत्यंतर है, 16/10/2022 से शुक्र का प्रत्यंतर प्रारंभ हुआ है, 16/6 यानी 16 जून 2025 तक चलेगा, तो आपकी बिटिया का विवाह अगले वर्ष होना तय है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, विवाह होगा, परंतु दो चीजों का ध्यान रखिए। सप्तम भाव में राहु, सूर्य और बुध तीनों एक साथ बैठे हुए हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन के लिए कुंडली का मिलाना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि मंगल भी नीच का होकर यानी कर्क राशि में बैठा हुआ है तीसरे भाव में, इसके चलते वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट का सामना आपकी बिटिया को करना पड़ेगा। तो आप बिटिया की कुंडली मिलाकर विवाह करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जहां तक प्रश्न सरकारी नौकरी का, क्योंकि पंचम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है कॉम्पिटिशन के भाव में, जो अपने आप में एक शुभ स्थिति है, परंतु उस भाव का स्वामी ग्रह बुध कंबस्ट यानी अस्त होकर सप्तम भाव में पड़ा है, जिसके लिए कॉम्पिटिशन में बहुत यानी कठोर मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर शासकीय क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जी पंडित जी, हमारे विषय की ओर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे राशि फल के बारे में जानना चाहते हैं आज की, कौन सी राशि जो है कौन सी दिशा में आज रहने वाली है। जी चलिए राशि फल से हम शुरुआत कर लेते हैं। तो आज की जो पहली राशि है वो मेष राशि है, और मेष राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार बना हुआ है, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बढ़िया रहेगी। जहां तक संबंध है प्रेम संबंधों का, तो प्रेम संबंध भी आपके काफी बेहतर रहेंगे। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी अनुकूल है, तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का जो समय है वो आज से पूरी तरह से आपके पक्ष में आने की संभावना है। देखिए, अब चंद्रमा का गोचर नवम भाव में आ चुका है, जिसके चलते आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है, मन प्रसन्न रहेगा, कहीं से अचानक धन के आने की संभावनाएं बनती हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर है, तो आपके आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का दिन आज काफी कमजोर है। देखिए, मन थोड़ा आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी कमजोर रहेगी, तो कोई बहुत जरूरी काम, बहुत जरूरी निर्णय लेने से आपको आज बचने की आवश्यकता है। बहस बिल्कुल भी ना करें और अपने कामकाज पर पूरी तरह से ध्यान दें।
अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए सितारे लगातार आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप सितारों का भरपूर तरीके से लाभ उठाकर अपने जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको आप तेजी से संपन्न करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है। कामकाज की स्थिति काफी अनुकूल रहेगी, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। जो भी आपके काम है उनको आप तेजी से संपन्न करें, क्योंकि आने वाला जो पूरा सप्ताह है वो बेहद शानदार रहने जा रहा है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रहा है। कामकाज की स्थिति काफी अनुकूल रहेगी, मन आपका प्रसन्न बना रहेगा। जो भी आप कामकाज करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का दिन आज कमजोर है, क्योंकि चंद्रमा अभी भी आपको तंग कर रहा है। कामकाज से जुड़े आवश्यक निर्णय लेने से बचें, बहस से बचने की कोशिश करिए। जो भी काम करना है थोड़ा सा रुक के अवश्य करिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है। देखिए पराक्रम भाव में बनी शुभ ग्रह स्थिति लगातार आपको तंग करती रहेगी, मन थोड़ा प्रसन्न बना हुआ है लेकिन प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, सहयोग में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए आज का दिन काफी अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय थोड़ा कमजोर बना हुआ है। देखिए घर परिवार को लेकर चिंता बनी रहेगी, धन को लेकर परेशानी आपके जीवन में बनी रह सकती है, कामकाज को लेकर चिंता आपके मन में बनी रहेगी। थोड़ा समय ठीक नहीं है, धैर्य पूर्वक समय का इंतजार आप अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। सितारे लगातार आपकी मदद करेंगे, आपके जितने भी कामकाज है उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। कुल मिलाकर दिन बेहद शानदार है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाएं। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन काफी अनुकूल बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद कमजोर सा बना हुआ है। मन तनाव से भरा रहेगा, कोई भी काम यदि आप करना चाहते हैं तो उस काम में आपको उतनी सफलता नहीं प्राप्त होगी जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक काम करें, सहयोग में आज आप कमी महसूस करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए दिन आज उतना खास नहीं है जितनी की आप अपेक्षा कर रहे हैं। अगली और अंतिम राशि की हम चर्चा करेंगे। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है। देखिए अच्छे समय का आप भरपूर तरीके से लाभ उठाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी और सबसे महत्वपूर्ण चीज अपने आवश्यक कार्यों को तेजी से संपन्न करेंगे तो अवश्य लाभ होगा। जी पंडित जी, इसी के साथ ही हमारे विषय की ओर रुख करते हैं। हमारा विषय था राहु काल। एक जातियाति आपसे सवाल मैं करना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में राहु काल का दोष चल रहा है या वो समय अगर चल रहा है तो क्या क्या सावधानियां उसे रखनी चाहिए? देखिए राहु काल जैसा कि मैंने कहा कि दिनों को अलग अलग सप्ताह के दिनों में अलग अलग कालखंड में इसको बांटा गया है। यदि आपको राहु काल में कोई कार्य करना है, राहु काल में आप कार्य करने से बचना चाहते हैं, कोई बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोमवार को प्रातः 7:30 से 9, मंगलवार को दोपहर में 3 से 4:30, इस प्रकार के समय में यदि आपको इन कार्यों को यानी शुभ कार्यों को आपको संपन्न करना है तो आपको संपन्न करने से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो भगवान शिव की आपको पूजा आराधना करना पड़ेगी, भगवान गणेश को आपको मनाना पड़ेगा, उनकी पूजा आराधना आपको करने की आवश्यकता होगी। और यदि आप राहु काल में भ्रमण करने जा रहे हैं यानी आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि 10 कदम आप आगे चले फिर पलट कर आप वापस लौट के आ जाएं और फिर पुनः घर में थोड़ा सा बैठकर यदि आप निकलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको राहु काल का जो दोष है उसमें कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। यहां तक प्रश्न है राहु के अशुभ प्रभावों का। देखिए राहु जैसा मैंने आपको बताया कि राहु हमारे जीवन में हमेशा बाधाओं को लेकर आता है। बाधाओं जितने कष्ट हमारे जीवन में है वो केवल और केवल उसमें राहु केतु और शनि की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में राहु इस समय मेष राशि में चल रहा है तो मेष राशि वाले जातक इस समय राहु को लेकर काफी परेशान रहेंगे। मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी, बेचैनी, घबराहट, प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं खटास और कमी लेकर आता है। तो जब तक ये राहु चलेगा यानी सितंबर 2023 तक
राहु चूंकि मेष राशि में चलने वाला है, उसके बाद जैसा हम सभी जानते हैं कि वो वक्री गति से अपनी पिछली राशि में आता है यानी मीन राशि में, तो राहु वक्री गति से आपकी पिछली राशि यानी मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब तक आपको कष्ट देगा और राहु से बचने के यही उपाय हैं। कोशिश करें, यदि राहु आपको बहुत ज्यादा तंग करता है तो आप हमेशा एक गोमेद रत्न जरूर धारण करके रखें ताकि आपको आपके जीवन में राहु से जुड़ी हुई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने राहु काल से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जो है हमारे दर्शकों को दी और हमें दी। जाहिर सी बात है हमारे दर्शकों के लिए बहुत लाभ होगा ये। इसी के साथ ही आपने तमाम जो राशियां उनके बारे में जानकारियां हमें दी, क्या कुछ दिशा उनकी आज जाने वाली है, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए इसी के साथ ही हमारे सितारों के चाल में फिलहाल इतना ही, बने रहे 24/7 के साथ। नमस्कार।